सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है बजाज पल्सर 220F के बारे में। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो टोटल 3 कलर ऑप्शन आप लोगों को बाइक में अवेलेबल रहने वाले हैं। बेस पेंट अपना ब्लैक ही रहेगा, स्टिकरिंग में डिफरेंस हो जाता है, ये है अपना ब्लैक एंड सिल्वर। सो काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन ये लगता है। अभी ब्लैक रेड भी अपने पास अवेलेबल है, जो कि कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने में लगेगा। तीसरा रहने वाला है ब्लैक एंड ब्लू। सो इस टाइप से स्टिकरिंग में ही आप लोगों को डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 1.72 ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1,72,000। 1.72 में क्या कुछ आप लोगों को बाइक में मिलने वाला है उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। एक ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही है 220F का काफ़ी अच्छा लुक बनता है, काफ़ी लेजेंडरी प्रोडक्ट ये है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी आप लोगों को ना काफ़ी अच्छा, एक प्लास्टिक क्वालिटी, कलर क्वालिटी, यहाँ रही कि आप लोगों को ना पर स्पार्कल्स भी ना ईजिली विजिबल रहने वाले हैं। सो काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ आप लोगों को बाइक में रहने वाला है। इग्निशन तर रेगुलर जगह पे ही है, क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोगों को मिलता है, इस टाइप से MID का स्टार्टअप रहने वाला है। इग्निशन ऑन के साथ ये अपना लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन है, कंप्लीट लाइटिंग सेटअप आपको हैलोजन में ही मिलने वाला है। पायलट लैंप इग्निशन के साथ ऑन रहने वाले हैं, प्लस प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है, प्लस ये अपना जो रेगुलर रिफ्लेक्टर वाला सेटअप होता है ये भी मिल जाता है। हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप रहने वाला है। रिफ्लेक्टर अपने सॉरी इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को प्रॉपर इस टाइप से फ्लेक्सिबल यहाँ पे मिल जाते हैं। सस्पेंशन सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है एंड्यूरेंस का, और ये है अपना टेलीस्कोपिक, प्लस ब्रेकिंग भी आप लोगों को एंड्यूरेंस की ही रहने वाली है। एंड्यूरेंस की मार्किंग आप लोगों को सस्पेंशन पे भी देखने को मिल जाती है, ब्रेकिंग पे यहां पर नहीं है, अभी आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। 280mm का फ्रंट डिस्क मिल जाता है सिंगल चैनल ABS के साथ। टायर रहने वाला है ये 90 सेक्शन का, 90-90-17 ये इसकी ग्रेडिंग रहने वाली है, और कुछ इस टाइप का अपना टायर का पैटर्न है। फ्रंट मडगार्ड पे कार्बन का आप लोगों को स्टिकरिंग टच देखने को मिलेगा बाइक में, साइड पैनल पे भी है, प्लस स्टिकरिंग में कार्बन वाला यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्टिकरिंग की बात करते हैं तो फ्रंट फेयरिंग पे भी मिल जाती है, टैंक पे भी है, रियर फेयरिंग पे भी है, अभी उसकी भी बात अपन करते हैं। फ्रंट में देखते हैं तो इस टाइप से डार्क में आप लोगों को वाइजर मिल जाता है, ये रहा बजाज का लोगो जेल वाला। इंडिकेटर के सेटअप अपना हो चुका है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग अपनी यहाँ पर आनी है रेगुलर जगह पे ही। इस टाइप से अपोजिट साइड से देखते हैं तो अलॉयज का पूरा शेप रहने वाला है, और अलॉयज पे भी स्टिकरिंग का काम देखने को मिल जाता है। बाइक का अपोजिट साइड देखते हैं तो सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड भी मिल जाता है, तो बाइक की प्रैक्टिकलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। स्प्लिट में सीट मिलती है, प्लस सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लो है, कुछ इस टाइप का अपना राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू बनने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी आती है, एग्रेसिव भी नहीं है और एक बिल्कुल अपराइट भी नहीं है, हल्का फुल्का एक लीन ऑन एंगल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। MID भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, अभी उसकी भी बात अपन करते हैं। रियर लुक देखते हैं तो रियर अपना स्टेप से ऑन रहने वाला है इग्निशन के साथ। टेल लैंप वही क्लियर ग्लास में जैसा कि शेप पहले भी आया करता था, और टेल्ट आईडी का शेप भी सेम वही है जैसा कि 220F में पहले भी आता था और 150 में आप लोगों को अभी भी मिलता है। रिफ्लेक्टर मिल जाता है यहाँ पर, नंबर प्लेट का बल्ब भी अपना हेलोजन में ही है, ये अपना वही सेम इंडिकेटर का सेटअप। 220F का स्टिकरिंग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, प्लस स्प्लिट में ग्रे ब्रेल मिल जाता है। रियर टायर का सेटअप देखते हैं तो ये है अपना कुछ एक ब्लॉक पैटर्न टाइप आप लोगों को टायर मिलता है, 120 सेक्शन का रियर टायर रहने वाला है। और रियर डिस्क की बात करते हैं तो ये है अपना 240mm का, कुछ इस टाइप का आप लोगों को डिस्क का सेटअप मिल जाता है। एंड्यूरेंस की ब्रेकिंग फ्रंट भी एंड रियर भी दोनों ही रहने वाली है। सस्पेंशन सेटअप भी एंड्यूरेंस का आप लोगों को रियर में भी मिल जाता है। 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक ड्यूल हेलर सेटअप आप लोगों को मिल जाता है, स्प्रिंग वाला एग्जॉस्ट आप लोग देख सकते हो। सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को ब्लैकआउट ही रहने वाला है। पहले के अगर अपन बात करते तो ये वाला पार्ट सिल्वर आया करता था 220 में, पर अब सब कुछ आप लोगों को ब्लैकआउट रहने वाला है। इंजन काउल भी मिल जाता है, तो कुछ इस टाइप का अपना एग्जॉस्ट है, हीट शील्ड मेटल में ही है, प्लस एक आप लोगों को यहाँ पर शू प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, शू आपका या फिर स्लीपर एग्जॉस्ट पे स्टिक ना हो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ऐसा ही एक पार्ट आप लोगों को राइडर के लिए भी मिल जाता है। फुट पैक्स आप लोग देख सकते हो, ये रहा अपना ब्रेक लीवर। इंजन का टेक्सचर भी सारा ग्लॉसी ब्लैक में ही आप लोगों को मिलता है, एक सेमी फेयर्ड वाला लुक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है जैसा कि F250 में भी आता है। सीट की बात करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट आप लोगों को सीट की कुशनिंग भी मिल जाती है, प्लस स्प्लिट में सीट है। सीट हाइट भी आप लोगों को ना कोई ज़्यादा नहीं रहने वाली, 790mm का अराउंड आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट रहने वाली है। और एयरवेंट वाला लुक जैसा कि पहले भी आया करता था वो आप लोगों को अभी भी मिल जाता है। कार्बन फाइबर वाला पैटर्न आप लोगों को ना साइड पैनल पे भी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी नीटली सारा कुछ सेटअप आप लोगों को मिलता है। पहले बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट, फिर बात करेंगे स्विचेस के बारे में। सो बाइक अपना हो चुकी है स्टार्ट, और अभी ना ये प्रोजेक्टर जो है वो आप लोगों को ऑन मिलने वाला है, और सारा सेटअप ये अपना रहने वाला है हाई बीम लो बीम का। सो ये देख लेते हैं ऑन करके, तो कुछ इस टाइप से ये सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है। एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं,
तो पहले देख लेते हैं क्लच का किस टाइप का आप लोगों को बिहेवियर यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा बहुत हार्ड आप लोगों को फील हो सकता है क्योंकि नई बाइक है, थोड़ा बहुत यूज़ के बाद या फिर कह सकते हो फर्स्ट सर्विस के बाद ये और ज़्यादा लाइट होने वाला है। इस टाइप के बार एंड आप लोगों को मिल जाते हैं मेटल में ही, ग्रिप कवर वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इल्यूमिनेटेड वाले सारे स्विचेज आप लोगों को मिलते हैं, स्विचेज देख लेते हैं। तो ये आ जाता है अपना पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफी लाउड हॉर्न आप लोगों को मिल जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार है, इसकी बात अपनी हो चुकी है। राइट साइड पे किल स्विच है, प्लस आपका स्टार्टर मिल जाता है। इस टाइप का अपना ब्रेक लीवर है और ये रहा आपका क्लच लीवर रबर कवरिंग के साथ। ये रहा भाई अपना क्लिप ऑन हैंडल बार, क्लिप ऑन ने हैंडल बार का प्लस जो क्लिप ऑन अपना जो सॉरी स्प्लिट में ग्रैब रेल्स हैं ये आप लोगों को मिलने वाले हैं मैट ब्लैक में। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मैट ब्लैक मिलता है, बाकी ओवरऑल ग्लॉसी का आप लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है। कार्बन वाला टच एमआईडी के सेटअप के आसपास भी आप लोगों को मिलता है। एमआईडी स्टार्टअप देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का अपना एमआईडी का सेटअप मिलने वाला है, कॉम्बिनेशन में एनालॉग प्लस डिजिटल। ये आ जाती है भाई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी मिल जाती है, प्लस एनालॉग में अपना आरपीएम मीटर रहने वाला है। एमआईडी सेटअप में देखते हैं तो साइड स्टैंड की वार्निंग आप लोगों को अभी मिल रही है। ये रहा अपना टोटल स्पीडोमीटर, ट्रिप वन ट्रिप टू ऑडोमीटर और डीटी डिस्टेंस टू एमटी, यानी कि इसको रेंज भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, बाइक में कितना फ्यूल है और उस फ्यूल में बाइक कितना चलने वाली है, तो वो अपना हो जाता है डिस्टेंस टू एमटी। सेम सेटअप है जो आप लोगों को पल्सर 150 में भी मिलता है, वही अपने को 220F में भी मिलने वाला है। सो ये हुआ राइडर पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों ने देख लिया है किस टाइप का अपना पूरा राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। फोल्डेबल आप लोगों को रियर व्यू मिरर भी मिल जाते हैं, कुछ शेप अपना इस टाइप का है, सेम है जैसा कि पहले भी ये आया करता था। तो ये रहा भाई आपका फ्रंट लुक। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो 220 सीसी का ऑयल कूल्ड टू वॉल्व इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। पावर की बात करते हैं, 20.4 पीएस का पीक पावर है और 18.55 एनएम का आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। बाइक का जो टोटल वेट है वो है 160 केजी और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 165 mm का। सो काफी अच्छा प्रोडक्ट ये बाइक आप लोगों के लिए हो जाती है। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है 1.72 ऑन रोड जयपुर। एक डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए अच्छे खासे पावर के साथ, तो ये बाइक आप लोग ना प्रीफर कर सकते हो। टूरिंग बेस से कर सकते हो, संडे राइड्स वगैरह है वो भी ना आप लोग इजीली इस बाइक से कर सकते हो। कह सकते हो 100-110 इजीली ये बाइक ना आप लोगों को क्रूज करके देगी हाईवेज पे। सो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। करते अपना ये वीडियो एंड और मिलते अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।